सिंह डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. Today we have gathered here for the Interzone Sports Meet 2021. जेएंडके पुलिस के ब्रास बैंड और पाइप बैंड ने सल्यूट पेश करके स्वागत किया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जेएंडके जनाब दिलबाग सिंह साहब का. लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है. फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है. और इनकी इवेंट जो ही खत्म हुई, दिल्ली का फंक्शन अटेंड करने के लिए मैं खुद वहां पर गया था. बड़ियाला लेवल का फंक्शन होता है और मुझे खुशी हुई कि जहां चंद ही लोग पूरी पुलिस फोर्सेस के वहां पर मौजूद थे, वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के दो जांबाज सिपाही भी अपना झंडा लहरा के माउंट एवरेस्ट से वापस लौटे थे. मुझे खुशी है इस बात की. मैं फिर से मुबारक देता हूँ आप सबकी तरफ से उनको. वाटर स्पोर्ट्स की टीम ने नवाया एजाज हासिल किए. जूडो टीम ने भी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई. सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम ने कुल मिलाकर के 60 से ज़्यादा मेडल्स अलग अलग इवेंट्स के अंदर अलग अलग जगह पर जाकर के लिए. और इसके साथ ही एक और बड़ा एजाज कुलदीप हांडू हमारे जो है उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया. मैं उनको मुबारक देता हूँ आप सबकी तरफ से. सचिन गेट रियाज अमर ने बहुत अच्छा एथलेटिक्स के अंदर अपना हुनर दिखाया, दो मेडल लेकर के वापस लौटे. बैडमिंटन की टीम भी 3 मेडल लेकर के वापस आई. और ब्रास बैंड जो हमारी इवेंट्स की शान रहता है, ये भी सिल्वर मेडल लेकर के ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट से वापस लौटा. सो ये सब बधाई के पात्र हैं और आपकी तालियों के भी पात्र हैं. दोस्तों, सपोर्ट्स के अलावा यहाँ से डिस्कर्स हो रहे हैं. चार लोग चलने वाले हैं. जिनका आवाज नहीं बनी आज यहाँ पर देखिए, आज की जो इंटरजोन बाइक वाले को बंद करवा स्पोर्ट्स कमेटी मैनेजमेंट की जानिब से तमाम वाजिस मेहमानों को गुजारिश करता हूँ कि आज के इवेंट जो सपोर्टिंग इवेंट जो जहाँ पर पुलिस की तरफ से ऑर्गेनाइज की जा रही है, ये तमाम पुलिस के जो अलग अलग विंग्स हैं उनकी 6 जोन बना करके आपस में खेल कूद की कोई 30 के करीब एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगी. इसमें 1000 के करीब हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो हिस्सा लेंगे और पुलिस का लगभग हर विंग जो है इसके अंदर शामिल होगा.